आप लोगों ने नॉर्मल कचौड़ी तो बहुत खा रखा, क्या आपने राजस्थानी कचौड़ी कभी ट्राई करा है? 75 में 4 पीस कचौड़ी और ये वाला सौंठ की चटनी, आई थिंक ये है, ये मैंने मंगाया श्रेष्ठम नाम के आउटलेट से। प्लेटिंग करते हैं भाई साहब, राजस्थानी कचौड़ी है यार। अरे नहीं भाई साहब, और 2 पीस है इसमें, मतलब टोटल 5 पीस मिला है, तो 1 पीस का प्राइस कितना वो आप कमेंट करके बताओ। देखते हैं भाई नॉर्मल कचौड़ी और राजस्थानी कचौड़ी में क्या डिफरेंस है। पहले बाइट में सच बताऊं तो अपने को कोई भी डिफरेंस लगा नहीं। ये चटनी ट्राई करके देखते हैं। यार बहुत सही है भाई ये चटनी, ऐसा लग रहा सुकून दिला देगा कचौड़ी के साथ। अब डायरेक्टली इस कचौड़ी को इस चटनी में डिप करके खाते हैं यार, और क्या सही लग रहा है, तगड़ा लग रहा है तगड़ा। अगर मुझे 75 में ये 5 कचौड़ी का ऑफर मिले या फिर 10 रुपए में नॉर्मल 5 कचौड़ी जो मुझे स्ट्रीट में मिलता है वो खाना पड़े, तो अपन नॉर्मल वाला ही सिलेक्ट करेंगे। इस कचौड़ी में जो फिलिंग दिया गया है वो एग्जैक्टली अपने को स्ट्रीट कचौड़ी जैसा फील आ रहा है, बट हाँ एक डिफरेंस है कि स्ट्रीट कचौड़ी से ये वाला कचौड़ी ज्यादा हैवी है। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं राजस्थानी कचौड़ी को देना चाहूंगा 8/10। ये कचौड़ी को ट्राई करना है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो।